सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखें और अपना काम पूरा करिए। कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक खुलते पंख का पाठ 18। बच्चों, पाठ 18 है मंगरू। तो बच्चों, इस पाठ के हम कठिन शब्द कर रहे थे। तो चलिए, कुछ शब्द हमने कल लिखा, पढ़ा और समझा था, आज फिर से उनको लिखते हैं और आगे के शब्दों को लिख करके इस अभ्यास को पूरा करते हैं। तो बच्चों, कल हम कठिन शब्द कर रहे थे, पहले 10 शब्द लिखे थे, उसे एक बार फिर लिखते हैं। कठिन शब्द, हमारे पाठ में दिए गए चंद्रबिंदु वाले मात्राओं को अब हम यहां लिखेंगे। पहला शब्द है एक मंगरू, चंद्रबिंदु, ग र के बड़ियों की मात्रा, रू, मंगरू। दूसरा शब्द है पहली पंक्ति में दिया हुआ चिड़िया, हम लिखेंगे च पर छोटी की मात्रा, ची, र पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, हम इसे पढ़ेंगे चिड़िया, और ड के नीचे बिंदी, चिड़िया। दूसरा शब्द हो गया, तीसरा है भंवरे, यह है तीसरा शब्द, भ पर चंद्रबिंदु, व र पर एक ही मात्रा, बिंदी, भंवरे। तीसरा शब्द है भंवरे। उसके बाद हमारे पास है घूं घूं, चार में है घ बड़ेओ की मात्रा चंद्रबिंदु, फिर घ बड़ेओ की मात्रा चंद्रबिंदु, घूं घूं। उसके बाद हमारे पास पांचवा शब्द है तितलियां, आपकी पाठ के दूसरी पंक्ति में है, त पे छोटी की मात्रा, त, ल पे छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, तितलियां, तितलियां, तितलियां। तितलियां के बाद है मंडरा, छ पे हमारे पास है म पे चंद्रबिंदु, ड, र पर आ की मात्रा, रा, मंडरा। अब दूसरे अनुच्छेद में आते हैं हम, हमारे दूसरे अनुच्छेद में पहला शब्द है मुख, सात पे हम लिखेंगे म पर छोटे ओ की मात्रा, चंद्रबिंदु और ह, मुह, ये हो गया मुह। उसके बाद हमारे पास है, मुह के बाद है कुएं, क पे छोटे ओ की मात्रा, कु, ए पर चंद्रबिंदु, कुएं, ये हो गया क पर छोटे की मात्रा, ए पर चंद्रबिंदु, कुएं, कुएं के बाद है माँ, नौ पे है माँ पे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, माँ। उसके बाद है दस, माँ के बाद अगले अनुच्छेद में है ऊंट, ऊंट, चंद्रबिंदु और टर, ऊंट, ऊंट के बाद ग्यारह, ग्यारह में हमारे पास है लंगड़ाता, ग्यारहवां शब्द है ल पे चंद्रबिंदु, लंग, ग, द पे आ की मात्रा, त पर आ की मात्रा, लंगड़ाता। ग्यारह में है लंगड़ाता, लंगड़ाता के बाद बारह में हमारे पास है पांव, बारह में हम लिखेंगे प पर आ की मात्रा, चंद्रबिंदु और व, पांव, पांव के बाद तेरह, तेरहवां शब्द है कांटा, यहां लिखेंगे तेरह में है क पे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, ट पे आ की मात्रा, कांटा, ये है कांटा, कांटा, कांटा के बाद हमारे पास है संभाल कर, स पर चंद्रबिंदु, भ पर आ की मात्रा, भा, ल, कर, संभाल कर, संभाल कर, संभाल कर के बाद अगले पृष्ठ में है ढूंढती, पंद्रह में है ढूंढती, ढ चंद्रबिंदु, ढ त पर बड़ी की मात्रा, बिंदी, ढूंढती, ढूंढती, यहाँ पे ढ के नीचे बिंदी
और ढ ढूंढती, ढूंढती। उसके बाद 16 में हमारे पास है पहुंची, पहुंची। प ह पर छोटे की मात्रा, चंद्रबिंदु। च पर बड़ी की मात्रा और बिंदी, पहुंची। पहुंची के बाद 17 है, 17 में हमारे पास पहुंची के बाद है हंस। ह पर चंद्रबिंदु और स, हंस। हंस के बाद 18 में हमारे पास है, 18वां शब्द है ऊंट वाला, ऊंट वाला, ऊंट वाले लिखा हुआ है, ऊंट वाले, ऊंट वाले। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े थे और समझे थे। तो चलिए इसको पढ़ करके फिर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस पाठ में हमने चंद्रबिंदु वाले शब्दों को पढ़ा है और समझा है। तो यहाँ पे चंद्रबिंदु वाले शब्द यानी वह शब्द जिसके किसी वर्ण पर चंद्रबिंदु के आकार में चंद्रमा बनाया हमने, उसके अंदर बिंदी लगा करके मात्रा लगाई है, इस मात्रा को हम चंद्रबिंदु कहते हैं। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नाक व मुंह दोनों से ध्वनि आती है, इसलिए इसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। मंगरू, मंगरू, मंगरू। चिड़ियां, चिड़ियां। भंवरे, भंवरे। धू, धू। तितलियां, तितलियां। मंडरा, मंडरा। मुह, कुएं। मां, ऊंट लंगड़ाता। पांव, कांटा। संभाल कर ढूंढती, ती पे बिंदी नहीं है। पहुंची, पहुंची में ची पे बिंदी है। ढूंढती में त पे बिंदी नहीं है लेकिन पहुंची में च पे बिंदी है, पहुंची। हंस, ह पे चंद्रबिंदु, स हंस। ऊंट वाले, बच्चों एक बार फिर हम पढ़ते हैं। मंगरू, चिड़िया, चिड़ियां। भंवरे, घू घू। तितलियां, मंडरा। मुह, कुएं। मां, ऊंट लंगड़ाता। पांव, कांटा। संभाल कर ढूंढती, पहुंची। हंस, ऊंट वाले। ये शब्द है जिसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे या क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो ये कुछ अंग चंद्रबिंदु वाले मात्रा हैं, मात्रा चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं जिनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। इन शब्दों को हमने अपने पाठ से लिए हैं। चलिए कुछ देर आप लिख लीजिए, फिर हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो आप इन शब्दों को लिख लीजिए। ओके, तो बच्चों आप इन सभी को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। आगे पाठ को हमने पढ़ लिया, चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे यहाँ हमारे पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आज हम उन पर विचार करेंगे और कल हम उनको लिख करके उनका अभ्यास करेंगे। और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप लिख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों अभ्यास पृष्ठ संख्या 76 में हमें कुछ यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, चलिए हम उसे एक बार पढ़ करके समझते हैं। बच्चों प्रश्नों के उत्तर दो, प्रश्नों के उत्तर दो में हमारा पहला प्रश्न है, इसे मिटा लेते हैं, ये प्रश्न पाठ से है। पहला प्रश्न है, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। बच्चों मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना देने से मना कर दिया था। मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना देने से मना कर दिया था। पहला प्रश्न है जो कि पाठ से है, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना देने से मना कर दिया था। ख है, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया। माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया। बच्चों जैसा कि हमने पाठ पढ़ने के बाद जाना कि मंगरू ने
माँ की बात नहीं मानी थी। माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था लेकिन वह नहीं लाया। तो हम इतना बड़ा आंसर तो लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह कुएं से पानी लेने नहीं गया। माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह कुएं से पानी लेने नहीं गया। यह है दूसरा प्रश्न। उसके बाद ग, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा मेरी मदद करो। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा मेरी मदद करो। प्रश्न घ, मंगरू ने ऊंट वाले की मदद कैसे की। बच्चों दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। पहले प्रश्न में सिर्फ हमें यह बताना है कि ऊंट वाले ने मंगरू को उसकी मदद करने को कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे ग में लिखेंगे ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से उसकी मदद करने को कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा मेरी मदद करो। हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे ऊंट वाले ने मंगरू से कहा मेरी मदद करो। उसके बाद घ, मंगरू ने ऊंट वाले की मदद की क्या मदद की। ऊंट मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की। मंगरू ने ऊंट वाले के पांव से कांटा निकालकर उसकी मदद की। मंगरू ने ऊंट वाले के पांव से कांटा निकालकर उसकी मदद की। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे किताब के पीछे दिए गए हैं, जिसे हम कल लिखेंगे अपनी कॉपी में। आप मेरा देख करके लिखिएगा। इसके अलावा पाठ में कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आखिर में मंगरू, माँ ने मंगरू को क्या कहा। माँ ने मंगरू को क्या कहा था। माँ ने मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा था। माँ ने मंगरू को क्या कहा था। माँ ने मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा था। क्या मंगरू ने ऊंट वाले की मदद की थी। क्या मंगरू ने ऊंट वाले की मदद की थी। हाँ, ऊंट वाले ने मंगरू की मदद की थी। मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की थी, ये तो पीछे भी दिया है, फिर भी हम इसे लिख सकते हैं कि मंगरू ने ऊंट वाले के पांव से कांटा निकालकर उसकी मदद की थी। या फिर हम और प्रश्न बना सकते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगर आप मंगरू की जगह होते तो आप क्या आप ऊंट वाले की मदद करते। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, में हम लिखेंगे इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद मंगरू, हम कह सकते हैं कि क्या आप मंगरू की जगह होते तो ऊंट वाले की मदद करते। तो आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे, सबके अपने अपने विचार होंगे, लेकिन अगर मैं मंगरू की जगह पे होती तो बिल्कुल ऊंट वाले की मदद करती। तो बच्चों अगर हमारे हमसे कोई भी मदद मांगेगा तो हमें मदद करनी चाहिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि मदद करनी अच्छी बात होती है और हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगर हमसे कोई मदद मांगता है तो उसकी मदद करनी चाहिए और बाहर वालों की मदद करने के अलावा हमें घर में भी छोटे मोटे काम करके अपने मम्मी की, पापा की, या घर में भाई बहन हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और इससे हमारे शरीर में भी चुस्ती फुर्ती और हम भी चुस्त दुरुस्त होंगे और हमारे शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आएगी। तो बच्चों हमें हमेशा छोटे मोटे काम करने चाहिए, छोटे मोटे काम करके हम भी चुस्त और दुरुस्त होंगे और किसी न किसी तरह से हम दूसरों की मदद भी करेंगे। तो इस तरह से बच्चों पाठ में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने और समझने को मिली। आप इस पाठ को पढ़ेंगे आज और जो भी कठिन शब्द हमने इस पाठ में किया था उसे भी लिख करके याद करेंगे और जोर जोर से पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों इस पाठ में जितने भी चंद्रबिंदु वाली मात्राओं को हमने लिखा है, आप उसे अपनी कॉपी में कठिन शब्दों को लिख करके उसे जोर जोर से पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ना आए और समझ में आए कि चंद्रबिंदु की मात्रा हम किस तरह से किसी भी शब्द में लगाते हैं। तो जहाँ पर भी हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगाते हैं, इस तरह से हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगाते हैं, उस शब्द को या उस वर्ण को हम नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं। और जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें चीज़ें और अच्छे से आती हैं और मात्राएं हमें अच्छे से अभ्यास के साथ ही आएंगी। और एक बार में जो हमें मात्राएं अच्छे से समझ में आ गई तो हम कोई भी कठिन से कठिन शब्द लिख सकते हैं और कभी भी हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अभी आप छोटे हैं, आप इन मात्राओं को जितने अच्छे से पढ़ेंगे, इनका अभ्यास करेंगे, उतने ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगी और फिर कभी भी आपको इन मात्राओं से संबंधित शब्दों को याद नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों पाठ पढ़ लीजिएगा, जो प्रश्न उत्तर आज हमने विचार जिन प्रश्न उत्तरों पर किया उनको हम कल भी के वीडियो में लिखेंगे, और उससे पहले आप पाठ पढ़ के अपनी तरफ से भी आंसर करने की कोशिश करिए ताकि कल जब हम एक बार फिर मिलें प्रश्न उत्तर लिखें आपको चीज़ें और भी आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो।